उधर झारखंड में कैश कांड में ईडी ने कांग्रेस के 3 विधायकों को पूछताछ के लिए समन भेजा है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ईडी के सामने पेश हो चुके हैं। वही 8 तारीख को कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी से ईडी पूछताछ करने जा रही है। कांग्रेस विधायक से सहयोगी नौशाद ने खास बातचीत की है। कैश कांड मामले में ईडी ने 3 कांग्रेस के 3 विधायक को समन जारी किया था, जिसमें से आज जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी ईडी के समक्ष पेश हुए और उनसे ईडी के अधिकारियों ने पूछताछ कर रहे। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक कुंगाड़ी जी, इनको भी 8 तारीख को जाना है, क्या कुछ तैयारी है इन्हीं से जानते हैं। क्या सर, जाने के लिए तैयार है? एकदम तैयार हूँ, क्योंकि ईडी का मेरे पास नोटिस आया है। उस नोटिस में मुझसे अपना आईडी, पैन कार्ड, ये सब चीज़ों को मांगा गया है और मेरा बैंक डिटेल्स और मेरे परिवार के सदस्यों का बैंक डिटेल मांगा गया है। बस नोटिस में वही जिक्र है। इन सभी चीज़ों को मैंने, दस्तावेजों को तैयार कर लिया है और 8 तारीख को मैं वहाँ उनके सामने सुपुर्द कर दूंगा। क्या लगता है आज इरफान जी जब वापस आएंगे तो उनसे भी कुछ बात होगी? स्वाभाविक है, समय मिलेगा तो मिल लूंगा, अन्यथा फोन से बात करके जानकारी ले लूंगा। हालांकि मैं जान रहा हूं कि यह इस मामला में कुछ है नहीं कि कुछ सीरियसली हम उनसे बातें करें, जानकारी लें। 14 दिन के रिमांड में हम लोगों ने जवाब दिया है, वही जवाब यहाँ भी है। कोलकाता कोर्ट ने आपको बरी किया है, क्या लगता है कि ईडी के सवाल जब होंगे तो उसमें आप कहीं ना कहीं फंसते दिखेंगे या फिर उससे निकलते हुए दिखेंगे? अब वो तो उनके जवाब पर होगा, लेकिन जब कोई गलती करता है तो फंसने का सीन रहता है। जो आरोप सरकार गिराने का लगा है वो आरोप निराधार है। ईडी को लेकर मन में कोई हलचल नहीं? कोई हलचल नहीं है, दस्तावेज मांगे हो मैं दे दूंगा, जो पूछेगा जवाब दे दूंगा। तो कोलबिरा के विधायक के नमन किसकल कुंगाड़ी जी थे, जो उन्होंने ईडी को लेकर अपनी बात को रख रहे थे। पिछले 8 तारीख को ये ईडी कार्यालय जाएंगे और ईडी का अधिकारियों के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अपने सहयोगी दीपक के साथ नौशाद, रफ्तार मीडिया, रांची।